तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से एक शानदार वीडियो में। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक जबरदस्त वैकेंसी की अपडेट जो कि निकल के आई है दोस्तों आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से। हाँ दोस्तों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी जो है निकल कर आई है। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी वो आपका निकल के आया है AVNL यानी कि आर्म व्हीकल निगम लिमिटेड की तरफ से। यह बहुत ही अच्छी वैकेंसी जो है निकल के आई है जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी पर और बहुत अच्छे पोस्ट पर जो वैकेंसी निकल के आई, तो क्या है पूरी जानकारी, आइए चलते हैं और देखते हैं सभी चीज़ों को। उससे पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में अपडेट देखने के लिए, और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ आप अपना ट्रेड और ब्रांच के बारे में भी हमें जरूर जानकारी दीजिएगा ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं और कौन कौन से लोग जो है इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो आप जरूर से जरूर जो है हमें कमेंट बॉक्स में अपना ब्रांच और ट्रेड के बारे में जानकारी जरूर दे दीजिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, यह जो वैकेंसी होगा आर्म व्हीकल निगम लिमिटेड, आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। और जैसे कि मैं अपने सभी वीडियोज में बताता हूँ कि आप खुद से जो नोटिफिकेशन कैसे चेक कर पाएंगे, तो दोस्तों आपको गूगल में टाइप करना होगा AVNL और आप जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। वहाँ उसके बाद आकर आपको यहाँ पर डैशबोर्ड दिख रहा होगा, यहाँ पर करियर वाले ऑप्शन में आना है। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाले पर आपको यहाँ पर एक दिख रहा होगा एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल अंडर फिक्स्ड टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट फॉर MPF वाले वैकेंसी। इसी में जो वैकेंसी जो निकल के आई है, रिक्रूटमेंट जो है निकल के आई है, तो इस पर आपको क्लिक करना। क्लिक करते हैं इस तरीके से इसका जो PDF जो है यहाँ पर दिखाई देगा। जो एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल अंडर फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर MPF अंबरनाथ यूनिट के लिए जो वैकेंसी जो है निकल के आई है, तो आइए हम PDF को डाउनलोड करते हैं। उसके बाद देखते हैं PDF जो है यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। आर्म व्हीकल निगम लिमिटेड की तरफ से मशीन औजार आदिरूप फैक्ट्री भारत सरकार का उद्यम रक्षा मंत्रालय की तरफ से। यह बहुत ही बड़ी जो आपका फैक्ट्री है, यह रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो बहुत अच्छी वैकेंसी जो है निकल के आई है। यहाँ एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल अंडर किया, यहाँ अंबरनाथ जो आपका यूनिट है उसमें जो आपका पोस्टिंग होने वाला है। बाकी आगे सभी चीज़ों को देखते हैं डिटेल वाइज और समझते हैं। यहाँ डिटेल ऑफ पोस्ट के बारे में जानकारी दी हुई है। जो पहली वैकेंसी है वो आपका जूनियर मैनेजर, नेम ऑफ द पोस्ट आप यह देख रहा है दोस्तों। यह जो वैकेंसी है अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपका कैटेगरी वाइज कितने पोस्ट किस किस ब्रांच में निकली हुई है और आपका पे स्केल क्या रहने वाला। तो यहाँ पर देखिए जूनियर मैनेजर के लिए जो पोस्ट है उसमें आपका मैकेनिकल के लिए आपको 12 पोस्ट जो आपका दिखाई दे रहा था वहीं पर आपको देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, इंफॉर्मेशन, फाइनेंस, मार्केटिंग और बाकी जो जितने भी इंजीनियरिंग है उसमें आपको यहाँ पर जो वैकेंसी की डिटेल्स जो है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। वहीं इसकी बात करें पे स्केल के बारे में तो आपको 47,610 रुपये का आपका जो पेमेंट मिलने वाला है और बेसिक पे आपको 30,000 रहने वाला है। वहीं पर आपका यहाँ पर 900 रुपये को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे बात करते हैं डिप्लोमा टेक्नीशियन के लिए, तो दोस्तों बता दूं कि यह भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही रहने वाला है। इसमें आपका जो वैकेंसी के बारे में जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। इलेक्ट्रिकल के लिए 2 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 6 पोस्ट है, CNC ऑपरेटर के लिए 20 पोस्ट है। तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, अगर आप में से जिसने भी CNC ऑपरेटर का जो की डिग्री जिनके पास है वो आप डिप्लोमा किए हैं तो आप जो है इसको अप्लाई जरूर से जरूर कीजिएगा। इसमें आपका 37,201 रुपये जो पेमेंट जो आपको देखने को मिल सकता है। वहीं बात करते हैं असिस्टेंट के लिए, तो यहाँ भी आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहने वाला, जिसमें स्टोर MMP प्रोसेसमेंट रहने वाला है। इसमें 37,201 रुपये इसमें भी आपको देखने को मिल सकता है। वहीं जूनियर टेक्नीशियन के लिए भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिसमें आपको 34,200 रुपये जो है देखने को मिल सकता है। तो आप जो है ये सभी पोस्टों की जानकारी यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। सब जो मिला करके जितने भी पोस्ट है यहां पर कैटेगरी वाइज की पूरी जानकारी जो है दी हुई है। आगे में और बाकी चीज़ों के बारे में भी बताता हूं। यहां पर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में दिया हुआ है। जूनियर इंजीनियर के लिए आपका जो फर्स्ट क्लास डिग्री इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में होना चाहिए तो भी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है और जितने भी जो क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी जो यहाँ पर दी है। देखिए डिप्लोमा के लिए अगर आपने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट मेंटेनेंस में इंजीनियरिंग कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी सभी चीज़ों की यहाँ पर बारी बारी से आप जो है PDF को डाउनलोड करके मैंने जो प्रोसीजर बताया उसको फॉलो करके जो आप PDF को डाउनलोड कर लीजिए और क्वालिफिकेशन वगैरह जो आप खुद से चेक कर लीजिए। फिर भी किसी तरह का डाउट है तो आप हमें बेहिचक जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सुटेबल कैटेगरी वाइज यहाँ पर जानकारी जो है दिया हुआ है। आगे आए एज लिमिट की बात करें तो आपका नॉट एक्सीडेड टू 28 ईयर्स, 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और SC ST को यहाँ पर दीजिए
3 ईयर्स और 5 ईयर्स का जो है उसमें छूट देखने को मिल जाएगा। टिकट यहाँ पर दिया हुआ है, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो फर्स्ट में आपका इंटरव्यू होगा, रिटेन टेस्ट होगा, रिटेन टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा, और उसके बाद जो है आपका क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस देखा जाएगा, उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में जानकारी दिया हुआ है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में भी अप्लाई ऑफलाइन बाय सेंडिंग एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल। तो आपको ऑफलाइन भर के इस फॉर्म को जो है इसको जो सेंड करना है इस वाले एड्रेस पर, आपको जो है इन्वॉल्व में डालकर जो है यहाँ पर सेंड करना है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। द डिटेल एडवांसमेंट कैन बी सीन ऑन, इतना इस पर आप चेक कर सकते हैं। द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। तो जो इसका डेट ऑफ पब्लिकेशन से लेकर के आपको 21 दिनों का जो टाइम मिलेगा, इसके बीच में जो आप इसको फॉर्म को फिलअप करके, आगे मैं फॉर्म बताने वाला हूँ कौन सा फॉर्म को भरना है, उसको फिलअप करके जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो आपको 300 का एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है, जो कि आप SBI कलेक्ट के थ्रू जो है यहाँ पर जमा करा सकते हैं, जो दिया हुआ है यहाँ पर। और बाकी जो है SC ST PWD EX वाले फीमेल कैंडिडेट होंगे, उनको जो किसी तरह का एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगने वाला है। तो इस तरीके से आप जो है इसको अप्लाई जल्द से जल्द कर लीजिए। तो दोस्तों, ये जो फॉर्म है इसको आपको फिलअप करना होगा, इसको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, उसको फिलअप करके, और आपको जो एनवेलप भर के इसको भेजना होगा। तो एडवर्टाइजिंग नंबर, डेट भरना होगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं इसका जो है अपना लिखना है। उसके बाद पासपोर्ट साइज जो फोटो यहाँ पर चिपकाना है, आगे आपका नेम लिखना है, ब्लॉक लेटर में आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, फादर मदर हस्बैंड जो भी होंगे उनका नाम लिखना है, जेंडर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है जो कि आपका दिया हुआ है, उसके बाद वेदर बिलोंग्स टू SC ST OBC कैंडिडेट है तो आपने लिखना है, हाइएस्ट क्वालिफिकेशन के बारे में लिखना है, टोटल पोस्ट क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वगैरह है तो आपको यहाँ पर सभी चीज़ों की जानकारी देना है, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल, आधार नंबर, सभी चीज़ों को यहाँ पर फिलअप कर लेना है, बारीकी से अपना एडुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ जानकारी दे देना है, यहाँ पार्टिकुलर एक्सपीरियंस आपके पास है तो आपको इसको फिलअप कर लेना है, और उसके बाद जो है सिग्नेचर वगैरह करके आप जो है इसको सेंड कर दीजिएगा। जो मैंने एड्रेस जो ऊपर मैं आपको बताया है यहाँ पर, आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, उसी एड्रेस पर आपको जो है देखिए यहाँ पर जो एड्रेस को दिखा रहा हूँ, इसमें भी आपको इन्वॉल्व में भर के जो आपको सेंड कर देना है तो आपका फॉर्म जो फिलअप हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी जो कि वैकेंसी निकल कर आई है आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से, जो कि आर्म व्हीकल निगम लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आई है, बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है, तो आप इसको मिस मत कीजिएगा, जल्द से जल्द जो है इसको अप्लाई कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।